अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मॉडल स्टूडेंट्स एकेडमी और एमएसए तालीम की जानिब से मैं वेलकम करता हूं और हमारे कैमरामैन खिज़र की जानिब से भी आप सबको वेलकम करता हूं और थैंक्स करना चाहता हूं खिज़र का स्पेशली कि माशाल्लाह दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है हमारी वीडियोज़ वगैरह बनाने के सिलसिले में, बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं और वीडियोज़ की क्वालिटी तो आप लोग देख ही रहे हैं। आने वाले जितने भी मसले होते हैं खिज़र का बाएँ हाथ का गेम है उस तमाम चीज़ों मसलों से निमटना। तो चले आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर सेकेंड ईयर लेवल वालों के लिए, क्योंकि आज जो चीज़ हम लोग बनाने लगे हैं वो क्या है, वो है 1 डिग्री अल्कोहल। तो चलें देखते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल हम किस तरह से प्रिपेयर करवाते हैं फ्रॉम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। करते हैं, टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, और फॉर्मेशन करनी है 1 डिग्री अल्कोहल की, और 1 डिग्री अल्कोहल किसकी मदद से हमने बनाना है, विद द हेल्प ऑफ G.R means Grignard's reagent। तो किस तरह से बनेगा ये अभी हम लोगों ने देखना है इसको। Grignard's reagent के बहुत सारे मेंबर्स हैं, उसमें से एक मेंबर है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इस चीज़ को नाम दिया जाता है क्या, Grignard's reagent, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सिंपली नोन एज Grignard's reagent। अच्छा, 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इसका रिएक्शन किस चीज़ के साथ करवाना पड़ेगा, तो इसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा हमें फॉर्म एल्डिहाइड के साथ, और फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, HC OH। ये एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है और एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर कहलाता है फॉर्म एल्डिहाइड। देखें इसकी काउंटिंग भी है, वो काउंटिंग भी मैं आपसे थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि फॉर्म का क्या मतलब होता है, एसिड का क्या मतलब है, प्रोपियन का क्या मतलब है, ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताने लगा हूं। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल ये पेपर के अंदर 1 से 2 नंबर का रिएक्शन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखने वाली चीज़ क्या है, Grignard's reagent, तो तमाम स्टूडेंट्स को बात याद रहती है कि Grignard's reagent की मदद से बनाना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर जिसे नाम दिया जाता है फॉर्मल्डिहाइड, इसकी मदद से हम लोगों ने इस चीज़ को बनाना है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड है, CHO क्या चीज़ है, एल्डिहाइड, और इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए ये वाला H भी इसके साथ अटैच हुआ है। अब देखें कि हमारे पास बनेगा क्या, ये पूरा कंपाउंड यहाँ से आकर इस कार्बन और इस मैग्नीशियम के बीच में आकर अटैच हो जाएगा। मान लें कि ये कार्बन है, इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है इस तरह से, देखें ये 90 डिग्री बन रहा है। जब ये यहाँ पे आके CH3 और MG के बीच में आके अटैच होगा तो इसको 90 डिग्री पे आप लोगों ने बैंड कर देना है। यहाँ पे अभी इस तरह से है, CH3 और MG के बीच में आएगा तो इस तरह से आपने इसको 90 डिग्री पे बैंड कर देना है। कैसे बैंड करना है, यही तो ट्रिक है इसके अंदर। CH3 सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ये पूरा कंपाउंड यहाँ पे आके एडजस्ट होगा, ये कार्बन HHO MgBr। ठीक है भाई खिजर, समझ रहे हो रिएक्शन को, और पूरा स्क्रीन के अंदर भी आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट काम चल रहा है। देखें भाई, अल्काइल हैलाइड ये हमारे पास क्या चीज़ है, Grignard's reagent, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ये दरमियान में बनने वाली एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को नाम दिया जाता है, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का भी इसको नाम दिया जाता है, मगर ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। दोबारा देखें, ये हमारे पास है Grignard's reagent और इसका रिएक्शन हमने करवाया किसके साथ, फॉर्म एल्डिहाइड के साथ। अब ये जो चीज़ बनी है इसके ऊपर हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर का, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये जो CHH लिखा हुआ है क्या हम इसको H2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड। बहुत से बच्चे इसको कह रहे होते हैं सर CH3 माइनस CH2, माइनस नहीं, जब आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर ही दी है तो ये माइनस प्लस कुछ नहीं, ये जो है ये बॉन्ड का साइन है, और कौन सा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, CH3 CH2, उसके बाद आएगा O, उसके बाद MG, फिर BR। यहां तक की बात तो समझ आ गई, अब इसके बाद क्या करना है, इसका रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ, मतलब किसके साथ, वाटर HOH के साथ आपने इसका रिएक्शन करवाना है। तो HOH के साथ रिएक्शन करवाने पर यहां से यह चीज पूरी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, उसी लम्हे यहां से H निकल के इस O के साथ आके कंबाइन होगा,
तो हमारे पास क्या बना, CH3CH2OH, ये पहली चीज बन गई CH3CH2O और H यहां से आके इसके साथ अटैच हुआ, एक प्रोडक्ट तो ये हो गई साइड लाइन। पीछे क्या बचा हमारे पास, MgBr, और मैग्नीशियम ने दूसरी जगह भी तो बॉन्ड बनाना है, तो यहां ऑक्सीजन से बॉन्ड टूटा है तो लाजमी कहीं और भी बॉन्ड बनाना है, तो वो बॉन्ड कहां बनाएगा, Mg, यहां पे Br पहले से अटैच था, दूसरी जगह बॉन्ड कहां बना लिया, OH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये जो चीज हमारे पास बनी है इसे नाम दिया जाता है 1 डिग्री अल्कोहल, या इसको प्राइमरी अल्कोहल का भी नाम दिया जाता है, प्राइमरी अल्कोहल, या एक नाम इसका और भी है, इसको इथाइल अल्कोहल का भी नाम देते हैं, इसका एक नाम और इथानॉल भी है। तो सर कितने सारे नाम हैं, यही तो है केमिस्ट्री, आपने सारे नाम याद रखने हैं। पेपर के हवाले से ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको रिएक्शन आता है या नहीं आता, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसी के साथ साथ ये भी है कि आपको ये सारे नाम पता भी हैं या नहीं। पता चले आप पेपर के अंदर जा रहे हो कि 1 डिग्री अल्कोहल के नाम से पेपर में सवाल पूछा जाएगा, भाई पेपर के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल के नाम से उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने पूछ लिया कि प्राइमरी अल्कोहल आप प्रिपेयर करें, या ये भी नहीं पूछा उन्होंने कहा इथानॉल बनाए या इथाइल अल्कोहल बनाए, किस चीज की मदद से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से। तो रिएक्शन तो याद रखना है, उसके साथ ये सारे नाम भी याद रखने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये रिएक्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा, फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन होती है, कोई चीज नहीं समझ आती, तो आप लोगों ने कमेंट के अंदर लाजमी 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 आप लोगों ने मेंशन करना है। और अभी तक किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और